तो आज के सीडे में आपको पूरे 2000 रुपए के यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ भी आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ना आपको स्टार्टिंग पे 2000 से लेके 50000 रुपए का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, पर आपको स्टार्टिंग पे सिर्फ 2000 का ही आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। देखो वैसे मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है पूरे 4000 रुपए की मुझे लिमिट मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे 2000 का भी लोन ले सकता हूँ और साथ में 4000 का भी मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। देखो अगर आप ही काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अभी तक आपको लोन का ऑफर यहाँ पे नहीं मिला, देखो अगर आप एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सिबिल स्कोर और ना ही आपको देने पड़ेगा यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट। तो विदाउट डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन से 2000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। देखो आपके सामने लोन को अप्लाई करूंगा, अपने बैंक खाते में आपको लेके भी दिखाऊंगा कितने आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है, कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मुझे जो लिमिट मिली ना तो पूरे 4000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है, उसका भी मैं आपको लाइव डेमो आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। अगर मैं 2000 रुपए के लोन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ना, सिर्फ 2000 रुपए के लोन को मैं पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो मेरे बैंक खाते में आएंगे 1300 रुपए मेरे बैंक खाते में आ जाएंगे, तो यहाँ पे अकाउंट में आएंगे उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे जो ब्याज लगेगा 700 रुपए का मुझे यहाँ पे ब्याज लगेगा। देखो यहाँ पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सिबिल यहाँ पे 0 है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब आपकी जो फीस लगेगी ना प्रोसेसिंग फीस, आपको 593 रुपए की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। नीचे आएंगे आपको जीएसटी लगेगी 18% के हिसाब से 106 रुपए और ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे नहीं देना। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, आपके जो बैंक खाते में आएंगे वो आएंगे 1300 रुपए, तो भाई 1300 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे। आपको जो ब्याज लगेगा तो भाई 700 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज लगेगा, अपने हिसाब से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आपको जो समय कितना मिलेगा वो मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 2000 का भी लोन ले सकता हूँ, 3000 का भी ले सकता हूँ और 4000 का भी मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। अपने हिसाब से आपको यहाँ पे ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको 2000 अप्लाई करना है तो 2000 कर सकते हैं, 3000 अप्लाई करना है तो 3000 कर सकते हैं, अगर आपको 4000 का अप्लाई करना है तो 4000 भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा है आपको जो समय मिलेगा ना सिर्फ 15 दिन का आपको समय मिलेगा, तो भाई 15 दिन के अंदर आपको इसकी रिपेमेंट यहां पे करनी है। तो मैं पहले से आपको क्लियर कर रहा हूं आपको सिर्फ 15 दिन का समय मिलेगा, अगर आप 15 दिन के अंदर रिपेमेंट कर सकते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। क्योंकि भाई देखो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करोगे तो भाई आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा और आपको आगे चल के काफी सारे फोन कॉल्स भी यहां पे आ सकते। देखो इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है और ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। देखो जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है नीचे आपको ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे लॉगिन द रजिस्टर्ड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना ना तो यहाँ पे लिखा आपके पास पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड और नीचे आएंगे अप्लाई आपका लोन हो जाएगा, केवाईसी आपको करनी पड़ेगी और ऑल डन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपके यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देखो ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नहीं देने, सिर्फ आपको केवाईसी करनी है, एक आपको पैन कार्ड यहाँ पे देना है और तुरंत आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको नीचे आना, अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है, नीचे आके आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पिन कोड का। देखो जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे अपने पिन कोड को फिल करेंगे नीचे आएंगे आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे के बाद आपको इसके होम पेज पे आ जाने। देखो होम पेज पे आएंगे आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपके सामने 4000 रुपए के लोन को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने 4000 रुपए के लोन को सिलेक्ट कर लिया, आपको नीचे आगे चेक वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जितना भी चार्ज लग रहा है वो सारा आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4000 रुपए का मेरा लोन है, 15 दिन का मुझे टाइम मिलेगा और यहाँ पे लिखा है टोटल एक्सपेंस। देखो जो हमारे को ब्याज लग रहा है ना तो 1400 रुपए का मुझे यहाँ पे ब्याज दिखा रहा है। नीचे आएंगे फीस आपको लगेगी प्रोसेसिंग फीस 80 रुपए की, क्रेडिट फीस आपको देनी पड़ेगी 360 रुपए की, ऑथर फीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 900 रुपए की, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 60 रुपए का, नीचे आएंगे टिकट फीस आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देनी। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर आपको अपने फीस को वेव करवाना ना तो वीडियो को आपको एकदम ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आके आपको मिलेगा एक कैशबैक का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपको कैशबैक का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यह कैशबैक का ऑप्शन यहाँ पे क्या है वो भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे कह रही है अगर आप 4000 रुपए के लोन को अप्लाई करेंगे ना आपका जो ब्याज है 1400 रुपए आपका ब्याज लगेगा। अब कह रही है 1400 रुपए का आपको जो ब्याज है वो प्लस हो जाएगा, मतलब कि कैशबैक आपको मिलेगा 1400
₹100 का आपको कैशबैक मिलेगा, आपके बैंक खाते में आएंगे ₹2600 आपके बैंक खाते में यहाँ पे आ जाएंगे। कहने का मतलब कंपनी ये कह रही है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको कैशबैक मिलेगा ₹1400 का, आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं देना। अब यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है द हैंडिंग द फीस, जो आपकी फीस लगेगी ₹1400 वो रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है रिटर्न हो जाएगी टू द कैशबैक, जो कैशबैक के रूप में जो आपकी फीस है ना वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है टोटल बैलेंस, जो मुझे कैशबैक दिखा रहा है ना वो यहाँ पे मुझे ₹1400 यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये ₹1400 का बैलेंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे नाउ कंप्लीट विड्रॉ फॉर द मैक्सिमम कैशबैक इन द ₹1400। अगर मैं लोन अप्लाई करूँगा ना तो मुझे ₹1400 का कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपको ₹1400 का कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी किसी प्रकार से कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं है, मैं आपको पहले से साफ साफ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अभी काफ़ी लोग क्या करेंगे कि भाई वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, काट काट के देखेंगे, जिनको आगे चल के काफ़ी जानकारी नहीं मिलती में चल के बोलते हैं कि सर मुझे तो पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे। देखो एप्लीकेशन बोल रही है, यहाँ पे ये कह रही है अगर आप यहाँ पे ₹4000 के लोन को अप्लाई करोगे ना तो ₹1400 का आपका जो कैशबैक है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है देखो रिटर्न मिल जाएगा आपको, अभी रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। देखो हमें इस पे लोन के लिए अप्लाई करना है ना, थोड़ा सा आपको बैक आ जाना है, जब यहाँ पे बैक आएंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ विड्रॉ, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा है व्यूर द जस्ट सेटअप द वे द कैशबैक रेट ₹1400 का आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा और डोंट मिस क्लिक द कंटिन्यू विड्रॉ मनी। ये एप्लीकेशन कह रही है सिर्फ आप इसको विड्रॉ करो और ₹1400 का आपको कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, अभी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे कैशबैक ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो हमें अगर इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना ना, देखो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका जो लिंक है वो मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखा लिखा कस्टमर केयर नंबर आपको मिलेगा, आप सुबह मतलब कि 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनका नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है आप इनसे पहले बात कर लो, आप इनसे पहले बात कर लो अगर आपको लोन का ऑफर मिलता है। अगर आप इनसे बात करेंगे कि वहाँ पे पूछेंगे कि मेरे को वहाँ पे कैशबैक का ऑफर दिखा रहा है ₹1400 का, मुझे कैशबैक का ऑफर दिखा रहा है तो क्या मुझे ₹1400 का कैशबैक का ऑफर मिलेगा, तो भाई ये आपको पहले पूछ लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से बैक आना है। बैक आने के बाद भाई हमें इसकी थोड़ी सी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि इस एप्लीकेशन पे हमारे को लोन अप्लाई करना चाहिए या लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको करना है कि आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, यहाँ पे लिखा आपको लोन का सेक्शन, नीचे आपको मिलेगा लैंडिंग पार्टनर, ये हमें चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखा हमारे को जो लोन मिलेगा ना किसकी तरफ से मिलेगा, यहाँ पे लिखा है NBFC नेम वैशाली सेक्योर लिमिटेड, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में आपको इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे वेबसाइट भी इन्होंने अवेलेबल कर रखी है। उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है, देखो यहाँ पे आप ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 4000 से लेके 50000 रुपये का आप लोन ले सकते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो भी मिल जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आपकी जो एज है 18 साल की होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड पे होना चाहिए। देखो यही दो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने हैं और तुरंत आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ₹1400 के कैशबैक की। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखो हमारा लोन है ₹4000 का। अब ₹4000 का लोन है, अब मेरा भी यहाँ पे मन में डाउट चल रहा है कि जो कंपनी को हमारे को ब्याज देना है ना ₹1400 ब्याज देना है, वो भी 15 दिन का। अब कंपनी हमें कह रही है कि आप उसको कैशबैक के रूप में वापस ले लो, तो भाई मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मैं 15 दिन का लोन यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे ज्यादा EMI के ऊपर लोन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पर इस एप्लीकेशन पे सिर्फ 15 दिन का यहाँ पे लोन मिल रहा है। देखो 15 दिन की रिपेमेंट करनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है और काफी लोग जब रिपेमेंट नहीं करते उनको काफी दिक्कत का सामना भी यहाँ पे करना पड़ता है। देखो एमरजेंसी ज्यादा है तो आपको एप्लीकेशन की तरफ जाना है और 14 दिन के अंदर आपको इसकी रिपेमेंट नहीं कर देनी है। अगर नहीं करोगे आपका जो सिबिल है वो भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारी फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है।
तो अगर हमें इसको विड्रॉ करना है ना, हमें करना है कि हमें कंटिन्यू सेक्शन पे मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब मैं कंटिन्यू सेक्शन पे क्लिक करूंगा, थोड़ी सी जानकारी आपको मैं और दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीड द एग्रीमेंट। देखो काफी एप्लीकेशन है हमारे को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पे हमें मिल रहा है प्लीज रीड द एग्रीमेंट साइन इन लोन द एग्रीमेंट। एप्लीकेशन आपको एग्रीमेंट दे रही है, यहाँ पे लिखा लोन का एग्रीमेंट आपको मिलेगा, सेक्शन लेटर भी मिलेगा और KFS जिसकी तरफ से आपको लोन मिल रहा है वो भी मिलेगा। यहाँ पे आपको उनका एड्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है वैशाली सेक्योर लिमिटेड, यहाँ पे लिख रखा है CIN नंबर भी लिख रखा है और उनका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है। ईमेल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, कस्टमर केयर का नंबर भी आपको मिल जाएगा, ईमेल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, काफी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं सेक्शन लेटर पे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इनकी काफी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे भी इन्होंने काफी कुछ यहाँ पे लिख रखा है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको पहले से सारा कुछ इन्होंने बता रखा है। देखो कुछ भी छुपाया नहीं है। तो यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा है 4000 रुपए का लोन है, जो फीस आपकी लगनी है वहाँ पे आप दिखा रखी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट आपको 33% का लगेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल इनकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो भाई देखो यहाँ पे मेरा मतलब था वीडियो बताने का कि भाई सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया कि कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, कितनी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितने आपके बैंक खाते में आएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लिखा 2600 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे और 4000 रुपये का हमारे यहाँ पे लोन है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दिखाया कि आपको कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने टाइम भी दिखाया, 15 दिन का हमारा टाइम है, 33% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी दिखाई है कि भाई एक इंस्टॉलमेंट आपकी। देखो कोई भी यहाँ पे आपको EMI के ऊपर लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जितने भी पैसे आप लोगे ना उतने पैसे आपको इनको वहाँ पे वापस कर देने हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और बैक लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको दूसरी बार आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैशबैक का ऑफर लिखा हुआ, नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको कैशबैक का ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको लोन की बहुत ही ज़्यादा नीड है तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। एप्लीकेशन का नाम है इंस्टानोवा। एप्लीकेशन आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगी, आसानी से जाके आप इसको डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ऑफर मिलता है तो आप इनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे कैशबैक का ऑफर यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये कैशबैक का ऑफर यहाँ पे क्या है, क्या इसका कैशबैक मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।